अगले का हमर झाट बड़ा। जब साला इज्जत चली गई बा तो लड़की के ले ही के जाए। ए, तो लड़की को हम खोजवाएंगे, गारंटी हम लेते हैं कि तोरा बेटा के ब्याह कराएंगे। तू तो टेबल पर से, टेबल कमजोर है। नहीं उतरेंगे, पहले लड़की का हम हईसरवा से पूछी। ए साला से हम का पूछी, ई साला खाली मार करके फेर में रहेला। ई साला के नाम देखत रह कितना बनिया बा मनी में राज, लेकिन साला के मुंह बा बोका के गार लेखा। ए साला भीतर चल। अरे बाप रे बाप, ई साला बारखा दोगला दरोगा बा। हो हो, मार के तो साला हमर टूरनी फोड़ दे। हग द बार बार है रूम महाकाल है, का जरूरी बा रे तेरी। गोश बना तो गोश ना निकाली, एकरा से बड़ बीमारी ना होखला। ये बहुत बढ़िया चीज बा, गोश बनी तो गोश निकाले के चाही। हे मर्द, काती बढ़िया चीज है यो। एकर आवाज अगर साउंड ना सुना लो कितना गंदा बा। पर पुर भुस पू जा मदन का क्या बा। ओ तेरे को सर, हमारा चाचा के ले जाके एक बार हगवाऊं, इनका पाइपलाइन लीक करता। रे बुड्ढा रे, तुमको पता नहीं है कि जेल में पूर पार करना कानूनन अपराध है। बताओ, थाना में पादलो आफत बा। भैया हो तू अपन चापे के रखो, कहीं निकल ना जाए। मंटी हाँ, दरोगा साहब के लागत होई तो लो देखन ठुसका दे योजन, आ दूसरा ला कानूनी अपराध बा। तो का करी, कपड़ा लगा के मुन्नी कि फेफको से साट ली। हे मर्दे, कपड़ा से बियन मुनाई बोमा नानू साला। तोरा माइये के दाई को हम साले साले हम फिर गर्दन में मोड़ दे, तू हमरा मतारी के गाड़ी देबे। अरे दे हम और मर्दे, तोरा माई का दाई लगता है। कर साला चुदर मतो, मवईपुर में आके साला तू हमरा पर हाथ उठा दिले। साला तू हमरा आतंक के बारे में भुला गले। ओ मर्द, कथी का आतंक हो, तोरा गांव के लड़की मंडप छोड़ के भागल, कथी का आतंक। सुनी मुखिया जी, तनी शांति रखी, रघुवर खौफ बा गांव में। एकरा मतलब ई नहीं कि रघुवर थाना में आके ऐसे करम। ठीक तो कहा तरन छुदर मतो। हे कादे ठीक होता छुदर मतो, लड़की भागल तो लड़की वाला क्या करो। रे हे साला बड़ा थुथुर बा। हो रे साला, तोरा के कितना बेर कहनी का इतना रहेला। भक समझा दी मुखिया जी, हम कानून हाथ में नहीं लेवे के चाहत, तो हमारा हाथ से एगो टेटिया दरोगा खप जाई। ओ दरोगा जी, रूम का भाड़ा दीजिए और रूम खाली कीजिए। काबिल सिंह साहब, काहे इतना गरमाता नहीं, कोनो फ्री में रही लेका। ए, पैसा देते हैं इसका मतलब घर को सुगर के खोबार बना के रखिएगा। सुगर के खोबार, जाके देखिए था लैटिंग में, एक छेटी हगे हुए हैं, पानी मारे हैं पहले। आई देखना भाई, बाल में कितना डैंड्रफ हो गल बा, अब बाल बहुत झड़तो बा। जब ना हिसाब से झड़ा तो लगा तो साला कुछ दिन में टकला हो जाए। रे तेरी कुछ लगाओ क्या ना बारे, कथी लगाई, सब साबुन शैम्पू सब ट्राई कर लेनी, कोनो असर ना हो खले। साबुन शैम्पू लगा ले तोरा डैंड्रफ जाए, तोरा लगावे को तो लगा मुस्टे का हेयर ग्रोथ कॉम्बो। हेयर ग्रोथ कथी है? ये मुस्टे के बाल बढ़ावे वाला कॉम्बो, जेकरा से तोरा डैंड्रफ भी ना होई और बाल भी बढ़ी। अच्छा भाई देख, मुस्टे के हर्बल शैम्पू, ये नॉर्मल शैम्पू नहीं के, नेचुरल शैम्पू बा। एकरा के लगाने के बाद डैंड्रफ भी कम हो जाए और बाल गिरल भी बंद हो जाए। अच्छा, और एकरा से नहाने के बाद मुस्टे के कोको येलो हेयर ग्रोथ क्रीम, एकरा से तोर बाल भी ग्रोथ करी और सेट और स्टाइलिश रे बिल्कुल हमरा तरह। का बाल भाई तोहर, ई प्रोडक्ट हमरा के दे दे। हट, तोरा काहे दे दी, अगर तोरा मंगाओ के तो मंगाओ घर बैठल, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट। लेकिन मंगाई कैसे? रोक, हम तोरा के ऑर्डर करके बताओ तन। भाई देख, डिस्क्रिप्शन में लिंक बा, ए पर हम क्लिक कैनी, हम अपन पूरा एड्रेस डालनी, 2 दिन के बाद प्रोडक्ट हमरा घर। देख, हम तोरा के एलेल बतानी है, काहे कि एकरा के हम खुद यूज करी ले, हमरा से बहुत फायदा बुझा ले। वैसे कहता नहीं कि तू एकरा के यूज कर, रेवा लोगन यूज करी, इस रेवा लोगन का बाल शानदार रहे। ठीक बा सिंह साहब, पानी मरा जाए, लेकिन इतना गरमाइल ठीक नहीं है। कथी के सुविधा दे ले बनी, 1000 के महीना ली ले। हई देखी तना खिड़की बना गेट बा, खतरनाक मुजरी बड़ी तो भागिए जाई, रस्सी बन बन के काम चलाओ तनी हम। का दरोगा साहब, पहल का फाटा मरे वाला थानो काहे छोड़ देनी? वहाँ ईटा के बनता ना, देख तर यहाँ भाड़ा लेके काम चलाओ तनी। अच्छा हम तो जाते बानी, अगला बेर से अगर गंदा लौक ल सारा टेबुल कुर्सी उठा के बाहर फेंक दे, हम थाना थाने में रह जाए। ए महाराज जाऊ रहुआ, आज से हमनी सर सफाई पर ध्यान रखम। सुन ली दरोगा साहब, कान खोल के, हम यहाँ से लड़की लेके जाए न तो मोगईपुर से हमारे लाश जाए। ठीक बा चुदर महतो, मोगईपुर के इंसानियत ही मरल नहीं थे, तोरा इंसाफ मिली। तो मुखिया जी, रउआ से हम एगो बात कहे के चाहतनी कि बेटी के सबसे ज्यादा ओकर मतारी जान ले, तो हम चाहम रउआ से कि झगड़ू महतो के पत्नी के यहाँ बुलावल जाओ, उहे कुछ बता पाई ओकरा बारे में। हमारा घर के जनाना थाना नहीं आता है, भागता है लड़का सके साथ है। बात तो ठीके कहता चाचा, चाची के बुलावे के पड़ी, उपाय नहीं खे दो सर। तो का करब, बुलाओ मुखिया जी, कौनो लड़का के भेज के बुलावल जाओ। ठीक बा, हम फोने कर देता नहीं, आ जाई।
प्रणाम प्रणाम। ए हट जनाना के बैठे दे हट। आइए देखत नु बरा एक रंग ढंग एकर बेटी भागल बा तनको एकरा चिंता फिकिर बा मेकअप होके आयल बा चश्मा लगले बरन करिया आका तरुआ लड़की के बर बहिन बानी ना ना हम लड़की की माई बानी। ए ताकत कथी बार जवान की चाची बारी हमार भैयो सासवा तो पूरा पनीर लागत हो आ मेरा रुआ तो पूरा छेना हो तो चुप सरा चुप। एगो बात बताओ जाओ लवरी देवी जी राउर बेटी शादी के दिन भाग गेली नी कितना शर्मिंदगी के बात बा। हम बहुत शर्मिंदा बानी दरोगा जी लेकिन का करी लड़की के बापे दोगला बा आई चरवा के पियाई के चलते आज हमार बेटी भागल बा आ भगलो तकला तो मुंहे जोकार दे रे हमला ता कब का कौन ताकी रे तू जा बाजार में झमका हुआ बेटी तो भागिया गेल आ तू कोनो के लेके भाग जा। इनी पुत्रा ठीक रहित तो जे लेखा हमार बेटी सुंदर बा ओ लेखा सुंदर दामाद खोजती लेकिन खाली नाम सुंदर खोज लेबा चढ़वा। भाइयो तोर सासवा के हम पटा लेबो चुप साला बापो से बोलतो तो ऑनलाइन से लाइन में हो। कोनो बात नहीं खेल अबरी जी जोरी तो भगवान के बनावल होला लेकिन करिए बात का हो गई वैसे रावरो जोरी कोनो ठीक नहीं खे। अच्छा करिया उजर बूढ़ जवानी तो बात के बात बा पहले ही बताई कि लड़की के बारे में रहुआ कुछ पता बा। जी दरोगा जी सब पता बा आ इहो पता बा कि कौन नी पुत्रा भगैले रहे। कैसे भागल कौन भगैलक ऐसे मतलब नहीं खेल अबरी जी ई छुदर में तो कहत रहन कि हम लड़की लइए के जाए अपने ही के बनी का छुदर महतो। जी हम ही बनी छुदर महतो राउट समदी पा जिया रे सर्व रे छुदर महतो ई का करत रे साला छुदर महतो का छोड़ चचिया के नु दे त का कहता नी केंगे ब्याह करे के बा मंदिर में की दूरा पर त समदीनी जी मंदिर ठीक रही का साले तोरा से पूछत रे। जी द्वार पर उहो बैंड बाजा के साथ क्या हो छुदर महतो मंजूर बा। हाँ मंजूर बा बेचाई एक कठा बाकी हमरो एगो शर्त बा। का शर्त बा छुदर महतो बोली। फिर हमरा मुर्गा चावल के भोज चाहिए। ठीक बा समझी जी मुर्गा चावल के भोज मिली लेकिन जे 45,000 ले बानी ना लौटाए के पड़ी। बेटा वाला के बुर्बक समझता रू फ्री में ब्याह करबू बेटी के। अरे चुप साला मार जूतक मुंह फाड़ दे। समदीनी जी 45,000 हम लौटाएं जाई भोज भात और बिया की तैयारी करी। ठीक बा छुदर महतो हम की तोरा के 45,000 के बरकर ल लेग पीस के मसाला वाला। ठीक बा दरोगा जी ठीक बा मुखिया जी हम जात नहीं लड़के को बुलावे समझी साहब रोगा बारात लावे के तैयारी करी प्रणाम। ए साला सारे तो नहीं हो तो निकल निकल बाहर। साला ही लोहा के देले के रस्सी के टपी रे साला। हाय लियो समदीनी जी 45,000 रुपया हाय 5,000 रुपया हमरा तरफ से बा पंडाल ला खेत बेच के दो तनी तो दांत काला चेयर ले बार देवा तरह तो दो। ए चुप बीच में मत बोल। हाँ तो हम चुपे बानी मेन मरा तो मौका बनल बा। तो बेटी झबड़ी तोरा हमर बेटा पसंद नहीं खे तू हमरा के अपन बापे समझ के बोला। तू शादी छोड़ के काहे भगलू बाप के इज्जत के ख्याल ना रहे। रे तू बता समझ साहब के तू काहे भगले। रे तू हमरा पे कहला ताकत रे ये दोगलावा हमरा लगे आ रहे और आके कहला कि ए जो बुलाओ तो मुखिया दरोगा जाके शादी कर ले जो जाता रे नु तेरे को सच्चा बात सुन ले। हाँ बोल। पहला नंबर तावा हो तावा आ दूसरा नंबर आँख फूट गए आ तीसरा नंबर सर्व सब्जी बेचल हो। अब तू सोच तू शादी करके अपन जिंदगी बर्बाद करबे कि भाग के अपन जिंदगी बचेबे तोरा ऊपर है। लेकिन भाई हम भागम तो बवाल नहीं हो जाए। कुछ ना हो सलाह ऐसा ही ओकनी के मार के अपाइज कर दिल बानी। एगो तू काम कर हमें अपना राइटिंग में लिख और जो तुहर भाई संभाल ली। रे कोनो खराब बात करनी हो करे दूल्हा रहो करी है तो कहती कही हो रसगुल्ला बा साला हराम खोर। जी समझी साहब गलती हमने के बा
हम क्षमा चाहतनी जाई रवा बारात लेके आई। तब बेटी तोरा शादी से कोनो एतराज नहीं खिनू? ना कोनो एतराज ना बा, जब हमार बाप मातारी हमरा कोयला के खदान में धकेलिए देले बा तो हम का करी, हमरा मंजूर बा। तो जा जर कड़िया कड़िया लड़का पैदा कर। जी जी लगा था कि साला कुछ गड़बड़ बा। जाई मुखिया जी गाड़ फार के आई तो देख सलाल का तरवा के टीका लगे ले करिया का मेहमान जी कहू ना बहिनिया के समाचार। ए महाराज उनकरो के ले लेती उनस तीन हमनियो को मन रंगीन रही। अच्छा सरहू तोरा बहिनिया के ले जाए ला एलवनी साले दोगला। पापा हो तनी हम नाच के आओ तनी। ठीक बाजू। अरे दादा अरे देखा तरह सारा लार भर के गिवे के बीच चलता जाए दे बेटा जाए दे। इस साला मनी मेरा जो लकुरात बा फिर इस साला तोर शादी ना हो के दी। तोरे नाचे के सौदा ले बा चल बराता के बड़ा बाजो बाजो नाश्ता वास्ता मिली के सही बैठा रही। नाश्ता के बात ना आई चुपचाप बैठा रहा टाइम पर खाना मिली। अरे तो ये कैसे होई हमनी के भूखे रही। चाचा नाश्ता के बात हो तो करावा हु। नहीं नाश्ता का बात नहीं है खाली खाना का बात है मुर्गा और चावल। जाओ छुदर में तो कुछ बोलत का है नहीं खा। अच्छा थोड़ा सबर करा तनका देर में खाना मिली। साला उतर जमाला होके जाता उतर। हाय साला कहाँ बैठे रे सूट बूट पहन उतर।
फोटो बंद करो, साला फोटो नहीं खींचेगा, साला फोटो खींचना तो जाकर अपना बहन बता रहे फोटो खींचो घर पे, ये भी किसी का बहन बता रही है। ए, फोटो का नहीं खींचम रे। हाँ तो खींच फोटो, रसगुल्ला लेकिन उजर लाश गिरा दे बहू। अरे साला वही बेर से तो नौटंकी देखा था नहीं, तू मुखिया और पुलिस के सामने लाश गिरेबे। I love you too. चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लागल, जयमाला हो गया। अब हमनियों के नींद लगाता तो दोनों पक्ष के गार्जियन के बुलावा लोगन, आशीर्वाद देवो ये लोग के। पापा, अरे कहाँ गेल बड़े पापा? एता ही तो बैठल बा चाचा। अरे कुर्सिया गिरा के कहाँ गेल बड़े पापा? बउआ रे चाची तो तोहर नहीं खेल लौकत है। नहीं खेल लौकत ना? का भेल पापा? बेटी झबरी तोहर मतारी लबरी नहीं खेल लौकत। मुखिया जी पापा नहीं खेल लौकत, सारा खोज लेनी सर। ए खोज बनिया से कहीं मर गए लौका? उ सरवा मरे वाला बात छुद्रा साला। भैया हो भैया, पापा तो ससुआ के लेके भाग गेलो। अरे बाप रे बाप, काथी बाप रे बाप, जवान लड़की से ब्याह करबे तो बुढ़ौती में ये हालत होबे करी। भाग सरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी जंक्शन, मैं हूं आपके साथ कैफी। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है, जहां एक शादी समारोह से समधी ने समधीनी के लेकर फरार हो गए। दरअसल मामला बिहार के मुजफ्फरपुर के मऊगईपुर से आ रहा है, जहां पे एक शादी समारोह था। उस शादी समारोह में अपने पुत्र को लेकर गए थे वहां शादी कराने, लेकिन पुत्री के ही माता श्री को लेकर फरार हो गए, मतलब समधी समधीनी को लेकर फरार हो गए। ये चर्चा पूरे गाँव में सनसनीखेज है और लोग सोचने पे मजबूर है कि इस तरीके का घटना कैसे हो गया। खबर के इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि इससे पहले बार भी तीन बार बारात आई थी, जो कि पहले में झगड़ा हुआ था, दूसरी बार में जोरदार तरीके से मारपीट हुआ था, तीसरी बार में लड़की ही फरार हो गई थी, चौथी बार में बिहार की यह पहला शर्मसार करने वाली घटना मुजफ्फरपुर के मऊगईपुर से है, जहां पे लड़की के माता श्री ही लड़के के पिता के संग फरार हो गए। तो यह कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। भगत, अरे बंद कर, बंद कर। हेलो गाइस, तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना ना भूले। और आप लोगों को ईद मुबारक। ईद मुबारक गाइस। तो मैं यूज करता हूँ मुश्टैक का प्रोडक्ट, तो आप लोग भी यूज कीजिए मुश्टैक का प्रोडक्ट, कुछ दिन बाद असर दिखाई देने लगेगा।